हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो बेस्ड है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर। इस टेक्निक का डायरेक्ट लिंक आपके ब्रेन से है और ब्रेन में भी स्पेसिफिकली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम करता रहेगा, अगर हमारा ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा, तो हमारे सारे सिस्टम सही से काम करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे इस टेक्निक की मदद से हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में आगे जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किन लोगों के लिए ये टेक्निक सुटेबल है। अगर आप लो एनर्जी फील करते हैं, अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बॉडी में एनर्जी कम महसूस करते हैं, कंसंट्रेशन की कमी है, मेमोरी पावर की कमी है, चिड़चिड़ापन है, थकावट हर टाइम रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो आप लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत कारगर है। ये टेक्निक बेस्ड है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी इज अ काइंड ऑफ एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसमें हम ये मानते हैं कि आपके हाथ में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स को स्टिमुलेट करते हैं और इनका डायरेक्ट लिंक हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से होता है। हम जिस भी पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, वो पॉइंट उस कंसर्न उस रिलेटेड सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और वो सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो इस टेक्निक में हम जिस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये पॉइंट रिलेटेड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारी ब्रेन से और हमारे साइनस से। ये टेक्निक बेस्ड है दो फेजेस के ऊपर। फर्स्ट फेज में हमें अपना एक हाथ का अंगूठा लेना है लाइक दिस, और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से हमें आगे और पीछे से इस अंगूठे को प्रेस करना है लाइक दिस। कंटिन्यू प्रेस नहीं करना है, प्रेस करेंगे छोड़ देंगे। जितनी जोर से प्रेस कर सकते हैं उतनी जोर से प्रेस करिए और इसको छोड़ दीजिए लाइक दिस लाइक दिस। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड तक हमें इसको प्रेस करना है लाइक दिस। आफ्टर दैट हमें इसी अंगूठे को साइड से प्रेस करना है लाइक दिस, और इस बार हमें कंटिन्यू प्रेस करना है ऐसे। जोर से प्रेस करना है और कंटिन्यू प्रेस करना है। जब आप इसे प्रेस करेंगे, आपको अपनी ब्रीदिंग में सुधार महसूस होगा, अपने साइनसेस में जो प्रेशर है वो प्रेशर आप रिलीव होता हुआ महसूस करेंगे, अपने ब्रेन में एक सडन एनर्जी फील करेंगे, अपने आप को मोर कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप से, दिमाग में जो तनाव है वो आपको हल्का होता हुआ महसूस हो। जब आप इसे प्रेस कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है इस टाइम, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, हमारे साइनसेस को खोल रहा है। आई कैन फील बेटर ब्रीथिंग। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से सिम्टम्स महसूस होंगे। जब आप इस टेक्निक को करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग महसूस हो सकता है आपको सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी फील हो सकता है आपको बेटर कनेक्शन फील हो सकता है आपका ब्रेन काम हो जाए, आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो ब्रेन में भारीपन है वो रिलीव हो, आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाए और आप अपने आप को मोर फोकस्ड फील करें। ये टेक्निक बहुत ही असरदार टेक्निक है और इस टेक्निक के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 90% लोगों को इस टेक्निक से फ़ायदा हुआ है। आई एम श्योर अगर आप भी इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आप भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे और आप अपने आप को मोर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रख पाएंगे। इस टेक्निक को आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, रोज़ाना करिए। हो सकता है इनिशियली जब आप इस टेक्निक को अपनाएं तो आपको कोई चेंज ना महसूस हो, या फॉर एग्जाम्पल आप जब फर्स्ट टाइम इसको करें तो आपको कोई ऐसा सिम्टम महसूस नहीं हो जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड ना करे। इस टेक्निक को करते रहिए एंड आई एम श्योर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको कंटिन्यू बार बार करेंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी।
ये टेक्निक सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, आराम करते हुए भी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इस टेक्निक को आप करिए एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी आप अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी, इस टेक्निक को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करिए, अभी करिए। और अगर आपको अपने ब्रेन में, अपनी ब्रीदिंग में और अपने माइंड में कोई चेंज महसूस होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। दिस इज डॉक्टर ज़ैदी, टेक केयर।